ये एक दो पॉइंट प्रोग्राम है, दो मकसद को इकट्ठा हासिल करने के लिए एक कोशिश है। एक ये है कि इसके जरिए वाकई में लोगों का प्रॉब्लम्स जो है वो, दूसरा और उतनी ही अहम है वो कि लोगों के साथ वास्ता बने पुलिस का, पुलिस एक सर्विस है और आवाम के लिए है और आवाम के साथ करके उसको कभी हम नहीं। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बढ़ाना और मजबूत करना हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो ये दोनों मकसद इस प्रोग्राम के पीछे है और इसको इस तरीके से उसको अंडरलाइन करना है। समझते हैं कि हमें और बहुत आगे जाना है। इसमें हम चाहेंगे कि मतलब जिले में हमने एक एक करके जितने भी कंज्यूम हुई है उसको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उनका नाम इत्यादि हमारे पास होनी चाहिए। हम उनको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम उनको विक्टिम मानेंगे, पर उनकी मदद से उनको बुनियाद बनाते हुए उनको जो बेचने वाले जो तंत्र है की तरह, चाहे वो छोटा डीलर हो या फिर उससे पीछे जो उससे बड़ा डीलर हो या उससे पीछे जो और बड़ा डीलर हो, लेयर पे वो लोग होते हैं, उनको निशानदेही करेंगे और कार्रवाई एक्चुअली यूजर विक्टिम के खिलाफ नहीं होगी, कार्रवाई होगी वो बड़ों के खिलाफ। हम माइंडफुल हैं इस न्यूज के लिए, हम मानते हैं कि वो हमारे हिस्से हमारे साथ काम करते हैं सनावसन और सरकार वक्त उनको रिलीफ देने की कोशिश करी है। पहले 3,000 था, फिर बाद में 6,000 करा, फिर उसको एक ग्रेडेड तरीके से भी करा, 6,000, 9,000, 12,000 ऐसे करके करा। तो हम अपना वेलफेयर स्कीम से उनको 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 रिलीफ देने की, उनकी मेडिकल सिचुएशन पर उनको रिलीफ देने की भी काम करते हैं। पर हम ये भी सोचते हैं कि अभी हाउसिंग वगैरह के लिए भी और किस्म के वेलफेयर मेजर्स भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इनिशिएटिव लेके सरकार की मदद से। कुछ अपना सेल्फ देखिए, ऐसा है कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम एक बॉर्डर स्टेट है, तो एक डेवलप स्टेट हमेशा रहेगी, क्योंकि एक जब आपको थ्रेट की ओरिजिन बाहर है, आपके सरहद से बाहर है, और यहाँ पे तो रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं रहा, लोग अभी सड़क पे आ नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी यहाँ पे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह करें, इसमें यहाँ पे बच्चे स्कूल जाए, इन्वेस्टमेंट हो, नौकरी बढ़े और एक अमन के वातावरण रहे, और साथ में हम कानून को मजबूत करके सब लोगों को इंसाफ दें। इस सिलसिले में अब जब एक थ्रेट जो बाहर से आ रहा है वो उसको हजम नहीं कर पाते और उनका दुकान बंद हो जाती है उससे, तो कुदरती बात है हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमें पता है कि हम आवाम के साथ ये इनकी कोशिश रहेगी, पर ये कोशिश कहीं नहीं पहुँचेगी, इनको पता चलेगा तो 4-5-6 लोग अपना दुकान खोल के इसको चलाने की कोशिश, इससे कहीं नहीं पहुँचेंगे, वो निराशा रहेगी उनको, क्योंकि ये मुल्क के साथ है और हमें इस उम्मीद से हम चल रहे हैं कि यहाँ पे जब कानून की बोलबाला रहेगा, इंसाफ रहेगी, एजुकेशन रहेगा, बिजनेसेस रहेंगे।